नवभारत की महिला संवाददाता भावना किशोर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत अहम है। हाईकोर्ट की टिप्पणी ये कि जब याचिकाकर्ता पहले से शिकायत करने वाली को नहीं जानती थी तो FIR में लिखे गए जाति सूचक शब्दों को कैसे कह सकती है। अब 5 मई को पंजाब सरकार के एक इवेंट को कवर करने दिल्ली से लुधियाना गई भावना किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया था। रिपोर्टर भावना किशोर के साथ कैमरामैन मृत्युंजय और गाड़ी के ड्राइवर परमिंदर को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में दर्ज हुई FIR में लापरवाही के साथ गाड़ी चलाने के साथ साथ SC/ST एक्ट की 2 धाराओं में केस दर्ज किया गया था। भावना किशोर की रेगुलर बेल पर कल सुनवाई होगी। साथ ही टाइम्स नाम नवभारत के कैमरामैन मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर की बेल पर भी कल ही सुनवाई होगी। आज हम ये पिटीशन एक FIR जो लुधियाना पुलिस ने हमारे टाइम्स नाउ के कॉरेस्पॉन्डेंट्स भावना गुप्ता और 2 ड्राइवर और 1 कैमरामैन के खिलाफ रजिस्टर की थी उसकी क्वेश्चन के लिए हमने आज हाईकोर्ट में अप्रोच किया था। और FIR की कॉपी जो आज हमें कस्टडी के बाद कोर्ट के थ्रू आफ्टरनून में मिली उसके हमने कंटेंट्स पढ़ के एक क्वेश्चन ऑफ द FIR और बेल एंड इंटरिम बेल का हमने यहाँ पर हाईकोर्ट में आए और हमने ये हाईकोर्ट को कहा कि जो कस्टडी इटसेल्फ है ऑन द बेसिस जो एलिगेशन FIR में है उसके बेसिस पे कस्टडी फॉर ए सिंगल मिनट इज इलीगल क्योंकि जो एलिगेशन कंप्लेंट है उसमें कोई भी ऑफेंस SC/ST एक्ट का बनता नहीं। ऑपरेशन शीशमहल के खुलासे के बाद टाइम्स नाम नवभारत के रिपोर्टर के साथ जो कुछ हुआ उससे देश की जनता लगातार देख रही है और उस पर प्रतिक्रिया भी दे रही है। जनता क्या कहती है वो आपको सुनाते हैं। कवरेज भी केजरीवाल जी की कवरेज के लिए गए थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम निंदा करते हैं और ये भी आग्रह करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से कि ये जो कुछ भी हुआ है ये उसके लिए उनको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ये तो डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई है। केजरीवाल से कोई क्वेश्चन किया या उसने शीश महल के तहत कोई अंदर की जानकारी बाहर लेके आनी, पत्रकार अगर इस समाज के अंदर ना हो तो मैं समझता हूँ कि जितनी अंदर की गतिविधियाँ वो कभी बाहर ही नहीं आएंगी। और क्योंकि वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है और बिल्कुल षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है, हम पूरी निंदनीय इस बात को करार देते हैं। अब जब पत्रकार इसके असलियत दिखाने लगे हैं तो ये उनके ऊपर कानून का जो है गलत इस्तेमाल कर और उनको उनकी आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। निंदनीय विषय है ये, किसी का खुलासा करना बताना जनता को, क्या ये बुराई है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं मानता हूँ कि प्रजातंत्र की हत्या है। टाइम्स नाउ न्यूज चैनल ने जो दिखा रहा था केजरीवाल सरकार के खुलासे कर रहा था और उससे एक्सपोज हो रही थी कि आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो रही थी और पत्रकार भावना किशोर को जो टारगेट किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि जो तीसरा स्तंभ है देश का, जो समाज का आईना दिखाता है, वो टारगेट किया जा रहा है। बदले की भावना से काम कर रही है पंजाब सरकार। अब आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी, वो खास आदमी पार्टी हो गई। जिस तरीके से वो काम अपने स्वतः के लिए जो अब आई थी तो एक लोगों के अंदर उत्साह था, एक जनता चाहती थी कि ये बदलाव होगा, लेकिन अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल हो, मान सिंह हो, ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत ही घटिया है। क्योंकि एक जो लोकशाही है इसमें 4th स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, ये लोगों का जिस तरीके से आम आदमी हो या अदर पार्टी हो ये लोगों की सच्चाई दिखाते हैं। केजरीवाल के टीम के द्वारा जो किया गया, एक चीफ मिनिस्टर भगवान मान के द्वारा जो एक कृत्य किया गया है वहां पे, उसका मैं पूरा पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट के अध्यक्ष राज बिहारी ने पंजाब पुलिस की इस हरकत को बोलने की आजादी पर खतरा करार दिया है। किसी मुख्यमंत्री के किसी भी कारनामे का खुलासा करता है और उसको घटिया तरह से कार्रवाई बदला लिया गया है, मतलब इसमें एक घटिया स्तर है, इससे घटिया स्तर मैंने पहले नहीं देखा। हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, हम लोग खुलासे करते हैं, सवाल उठाते हैं, हमारे ऊपर बार होते हैं, हमले भी होते हैं, पर इस तरह एक फर्जी केस बना के SC/ST एक्ट लगा के बिना जांच किए हुए एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, बिना महिला पुलिस के गिरफ्तार किया गया है, तो इस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अरविंद केजरीवाल या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
जो मीडिया के कारण ही सत्ता में आए हैं, कि मीडिया ने जिस तरह से उनको हाईलाइट किया, उनकी बातें जनता तक पहुंचाई, वही मीडिया को निशाना बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं सवाल पूछूंगा, प्रधानमंत्री से सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं देते। और जो मीडिया के लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं से अगर सवाल पूछते हैं तो उनको धमकाया जाता है और इस तरह की घिनौनी कार्रवाई की जाती है। ये ना केवल मीडिया पर बल्कि लोकतंत्र पर, ये बोलने की आजादी पर एक बड़ा खतरा है, एक बड़ा सवाल है। और चलिए अब एक बार फिर से आपको बताते हैं कि कैसे देश की एक बेटी की जीत हुई और अरविंद केजरीवाल की साजिश हार गई। अब आप ये जानिए सिलसिलेवार तरीके से कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। दरअसल रिपोर्टर भावना किशोर को कोर्ट ने अंतरिम बेल दे दी। सोमवार को रेगुलर बेल पर सुनवाई होनी है। SC ST केस को अदालत ने सिरे से नकार दिया है। बाहर की लड़की को जाति के बारे में कैसे पता, ये कोर्ट की टिप्पणी थी और उसको लेकर सवाल पूरे देश की जनता के मन में था और कोर्ट ने भी यही टिप्पणी की। पहली नजर में SC ST केस नहीं बनता, कोर्ट की ये बहुत तल्ख टिप्पणी। एडवोकेट जनरल ने भावना की जमानत का विरोध किया था, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने अंतरिम बेल उन्हें दे दी है और कल उनकी रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। इधर टाइम्स नाम नवभारत पर ऑपरेशन शीशमहल के खुलासे के बाद बीजेपी के साथ साथ दूसरे विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हो गई हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विरोध का प्लान बनाया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन शीशमहल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के झूठा कहीं का कैंपेन का आज दूसरा दिन है। आज दिल्ली बीजेपी सरोजनी नगर में एक जनसभा को संबोधित भी करेगी। तो अरविंद केजरीवाल भले ही चुप्पी साध लें, भले ही टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता के साथ झूठी गिरफ्तारी का प्रपंच रखें, लेकिन देश की जनता सवाल पूछ रही है और हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाना कैसे शुरू कर दिए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ऑपरेशन शीशमहल पर सवाल पूछ रही है, प्रदर्शन कर रही है। आज कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस की ओर से अजय माकन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शीशमहल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा ही रही थी और क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर सवाल खड़े किया करते थे। वो ये कहते थे कि बाथरूम तक में AC लगा हुआ है, तो AC के खर्चे से कहीं ज्यादा खर्चा करके बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जब चुप है तो कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी जब सवाल पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि छोटे छोटे आरोपों पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर आरोप लगते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, जांच होगी उसके बाद आप राजनीति कीजिए, लेकिन अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता। और उसके बाद हद तो तब हो जाती है जब फर्जी गिरफ्तारी के प्रपंच भी रचे जाते हैं फर्जी आरोपों के साथ, लेकिन आखिरकार जीतता सच ही है। खबरों में आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको इस वक्त।